हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन अ गैल्वेनोमीटर इज संटेड विद अ 4 ओम रेजिस्टेंस, द डिफ्लेक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/5। इफ द गैल्वेनोमीटर इज फर्दर संटेड विद अ 2 ओम वायर, द न्यू डिफ्लेक्शन विल बी, एज्यूमिंग मेन करेंट जो है बच्चों वो सेम रह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि मेन करेंट सेम है इसमें। तो बच्चों मान लो कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है और इसको हमने 4 ओम के रेजिस्टेंस से संट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब जो करंट आई जा रहा था उसका आई बाई फाइव इससे जा रहा है। ठीक है, दैट इज आई बाई फाइव इससे जा रहा है बच्चों। तो बचा हुआ करंट दैट इज 4 आई बाई फाइव इससे जाएगा बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है ये। नाउ दे आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा बच्चों। तो V इज इक्वल टू आई आर, दैट इज आई बाई फाइव इंटू आर जी इज इक्वल टू 4 आई बाई फाइव इंटू 4। तो अगर इसको देखा जाए बच्चों तो 5 एंड 5 कैंसिल हो गया। द वैल्यू ऑफ आर जी इज कमिंग एज 16 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉयल जो कि फिक्स होगा। अब क्वेश्चन आगे पढ़ा जाए, इफ गैल्वेनोमीटर इज फर्दर संटेड विद अ 2 ओम वायर, तो हमने इसे फर्दर संटिंग कर दिया 2 ओम वायर से। मतलब ये हो गया कि गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 16 ओम तो थी ही, अब ये 4 ओम के साथ हम एक 2 ओम रेजिस्टेंस भी शंट कर रहे हैं फर्दर। दैट इज ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। तो अब बोल रहा है कि अब करंट कितना जाएगा। तो बच्चों ये वाला करंट आई ही है अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ दिस 4 ओम एंड 2 ओम दे आर इन पैरेलल, तो इन दोनों को हम लोग रिड्यूस करके एक रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। एंड दैट इज 4 टू द 8 बाई 6, दैट इज 8 बाई 6 इज इक्वल टू, एक मिनट पहले इसको लिख लेता हूं बच्चों। तो ये हो गया 16 ओम, इसकी रेजिस्टेंस तो फिक्स है 16 ओम। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा, ये जो नीचे का रेजिस्टेंस है बच्चों वो हो जाएगा 4/3 ओम। कैसे? क्योंकि ये 2 ओम एंड 4 ओम, दिस 2 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। तो ये हो गया हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहां का करंट अभी भी आई है बच्चों, इधर करंट कितना गया ये I1 मान लेता हूं और ये वाला करंट I2 मान लेता हूं। अब पैरेलल ग्रुपिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि करंट का डिवीजन कैसे होता है। जो I1 होगा बच्चों वो होगा नेट करंट इनटू द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पार्ट, दैट इज सेकेंड ब्रांच, दैट इज 4/3 अपॉन सम ऑफ दीज टू, दैट इज 16 प्लस 4/3। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि I1 इज नेट करंट इनटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल्स टू 4I/3 अपॉन 52/3, दिस इज I अपॉन 13। मतलब अब जो करंट जाएगा वो मेन करंट का 1/13 पार्ट होगा। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो सारे ऑप्शन में 4 ओम जब अटैच था तो उससे कंपेयर हो रहा है बच्चों। तो जब 4 ओम जा रहा था, वेन गैल्वेनोमीटर जी मीटर वॉज संटेड विद 4 ओम, देन जो करंट इन गैल्वेनोमीटर था बच्चों, आई डैश या कुछ मान लो, आई वन कुछ भी मान लो, आई वन डैश आई नॉट कुछ भी मान लेते हैं, वो देख लो बच्चों आई बाई फाइव है। देखो ये वाला आई बाई फाइव है, तो इससे कंपेयर करना है। तो क्लियर है, जो नया करंट है न्यू आई वन जो है वो इसका 5/13 टाइम्स है। कैसे? आई बाई फाइव में हम 5/13 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम एज आई बाई 13। तो आई वन इज 5/13 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो हमें इसी से I नॉट से कंपेयर करना था जब केवल 4 ओम से संट किया था। तो आंसर 5/13, दैट इज ऑप्शन 1 इज द
राइट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों, होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।